नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल फैक्ट बाय मनोज पारिक। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे 600 ग्राम का जो WJ602 वेट डोट कंपनी का जो काटा आता है उसका वजन हम कैसे मिलाते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले मशीन को ऑन करना है। साइड में इसके ऑन ऑफ का बटन है, उसे आपको मशीन ऑन करना है। जैसे ही मशीन ऑन होती है, ऑन होने के बाद में काउंट डाउन चलेगा। काउंट डाउन चलने के बाद में इस पे से कवर हटा लेते हैं थोड़ा सा, तो ये आपको थोड़ा ठीक से दिख जाएगा। काउंट डाउन चलने के बाद में इसमें 00 आ गए। 00 आने के बाद दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, ये जो मोड का बटन है उसको दबा के रखना है। मोड के बटन को आप जैसे दबा के रखोगे, अगर कोई डिजिट आता है तो उसको 0 कर देंगे। मोड के बटन को दबा के रखेंगे, ये F0 आएगा। F0 आने के बाद में आपको 10 सेकेंड तक इंतजार करना है। दस सेकेंड इंतजार करने के बाद में आपको जो प्रिंट का बटन है वो एक बार दबा के छोड़ना है। जैसे ही आप प्रिंट दबा के छोड़ोगे, इसमें लोड और 500 ग्राम लिखा हुआ आएगा, तो आपको जो सही बाट हो 500 ग्राम का वो बाट आपको मशीन पे रखना है। बस ध्यान रहे कि मशीन का जब वजन मिलाते हैं तो पंखा बंद होना चाहिए, हवा नहीं लगनी चाहिए, और 500 ग्राम का बाट रखने के बाद में ये ऑटोमेटिकली इसको 500 ग्राम कर देगा। इसकी डिजिट थोड़ी सी फीकी है तो दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये मिलने के बाद में सीधा 500 ग्राम हो जाएगा।